गुड आफ्टरनून फ्रेंड, फिर से ब्लॉग में आपका स्वागत है। और फिर आज काम करते करते हो गए लेट ब्लॉग स्टार्ट करने में, दोपहर हो गई है। और आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, बहुत ठंड नहीं है यहाँ, और थोड़ा धूप भी निकली है, पर हवा तो बिल्कुल भी नहीं है और ना तो है कोहरा। तो आज का गाजियाबाद का मौसम इस तरह है। और फिर मिलते हैं आपको आगे रूटीन के साथ। तो आज का हमारे यहाँ का मौसम, धूप निकलने की कोशिश में और फिलहाल मैं तो गूगल पे दिखा रहा था कि 24 तारीख तक हाई अलर्ट है और बहुत तगड़ी ठंड रहेगी। पर आज सुबह उठकर देखा तो मौसम चेंज था और हल्की हल्की धूप निकल रही है, कोहरा बिल्कुल भी नहीं है और फिलहाल में ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ठीक है मौसम नॉर्मल। कल बहुत ठंड थी, पर ये देखो फोन का कीड़ा हर समय फोन में लगा रहता है कुछ भी हर समय हमें देखते, जब हमने कैमरा उठाया जब ही तुरंत फोन रख दिया, इतना चालू है भाई, कमाल है। अब क्या बनाओगे? अभी पास्ता बनाया था, इतनी जल्दी भूख लग गई? और क्या पेट है कोई आप बता पत तो अब मैं बनाऊंगी सोया की सब्जी, सोया आलू वो कट कर लूँ इसे, टाइम ज़्यादा हो गया अभी खाना बनाने, 6:30 बज गया है, ठंड में जल्दी खाना बन जाए जब ये अच्छा रहता है, नहीं तो रात तक लगे रहो। तो आंटी आज हमारे घर पे शादी का कार्ड देने आई है, वेडिंग इनविटेशन, भैया की शादी है तो उसका एंजॉय करेंगे खूब। तो छौंक मेरा भून कर तैयार है और मैं बना रही हूँ आज सोया और आलू की सब्जी, जो कि मेरी फेवरेट है बहुत। आज काफ़ी दिन के बाद इसे बना रहे हैं क्योंकि इतने दिन से मेरी तबीयत नहीं सही थी, कुछ सब्जी ऐसे बस काम चलने वाला काम हो रहा था। और इधर मैंने लगा लिया है आटा, अब जब कोई खाएगा तो गर्मा गर्म बनेंगी रोटियाँ। देखिए फ्रेंड, हमारे घर पे रामलला का झंडा आया है और इसे हम 22 तारीख में अपनी बालकनी में लगाएंगे और मुझे ये झंडा देखकर बहुत खुशी हुई है, कितनी अच्छी मूर्ति बनी है भगवान जी की। गाइस, आज ठंड में फिर से पकौड़ी खाने का मन था तो फिर से आज हम पकौड़ी बना रहे हैं। ये शेफ हैं, शेफ तुषार, इतनी क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ी बना रहे हैं। इसे ज़्यादा फ्राइड और क्रिस्पी पसंद है तो इसे फ्राइड फ्राइड ही बनाता रहता है पूरा टाइम। क्या हो गया? तो इसे बहुत आलस आता है कुछ भी काम करवाने में, लेकिन जब खाने की बात आती है
समोसा ब्रेड पकौड़ा या फ्राइज जैसी चीजें तो सबसे पहले हाथ चलते हैं इसके बनाने हैं। तो ये अब मम्मी झंडा लगाने जा रही है। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। आ जाओ। तो अब ये झंडा लग रहा है भाई, कहाँ लगाओगे? ये लग गया भाई झंडा वाल करी में। हाँ जी बढ़िया एकदम। ये भगवा पहन के भगवा लगा दिया मम्मी ने। बढ़िया।